नमस्कार सब चेयरमैन साहब, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, पंचायत पैक्स चेयरमैन को लेकर जानकारी मिल पाई है। चलिए, आप अपना चेयरमैन पद पर इस बार फिर से दोबारा उम्मीदवार हैं, लोग घर वापसी करना चाह रहे हैं कि नहीं पुराने चेयरमैन बेहतर काम कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कि जो पैक्स में हमारे आते हैं, खाद हुआ, धान हुआ, सब हम देने के लिए और उनको पेश करने के लिए हम तैयार हैं कि भाई जो हमारे इसमें आएंगे सब आप लोगों के बीच में हम तकसीम करेंगे, सब आप लोगों को मुहैया करके देंगे। और जीतने के बाद जो है आपका क्या प्रक्रिया रहेगा? जीतने के बाद वही जो जो पैक्स में आएंगे वही उनको ला देंगे भाई, खाद हुआ या धान खरीद हुआ या जो भी चीज हुआ, या जैसे जन वितरण का लाइसेंस। पहले आप धान कितना खरीदे थे किसानों का? जो जो किसान दिए सबका खरीदे। कितना क्विंटल? सरकार का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा कर दिए? नहीं, सरकार का लक्ष्य जो इस बार था, कभी लक्ष्य नहीं होता था उसका। अच्छा, एक दो लॉट करते हो गए, इसलिए कि पोसाता है नहीं। अच्छा, वहाँ सर जितना फीस ये होता है ना, हम लोग को नहीं बोला, देने के बाद हम लोग को खतना अपना घर से पैसा लॉस ले आता है, किसान को दे दीजिए यहाँ से ले जाइए, लाइए नहीं पोसाता, इसलिए जो लग जाता है उसको किसी अनुमान से हम लोग पूरा कर देते हैं जी। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए कि पैक्स भवन जो है आपका कब बना था? ये 14 में तो इसका रीजन में बना था। हाँ। अच्छा, इसका जो व्यवस्था है अभी देख रहे, सब कुछ आपके अंडर हो रहा है? कुछ हमारे अंडर है, वो जमीन मेरा ही है। अच्छा, जमीन आपने ही डोनेट किया था? आपने ही, वो जमीन का कीमत अभी मोटा मोटी समझ लीजिए कि 24-25 लाख, मगर उस वक्त वो हुआ कि जमीन देना होगा, पैक्स आ गया तो चलो भाई ले। कितना जमीन दिए आप पैक्स में? 12 डिस्मिल। 12 डिस्मिल। चलिए, आप अपना नाम, वार्ड, पंचायत बताइए। पंचायत पाटकुई का वार्ड नंबर 8, नाम हुआ मेरा मोहम्मद एहसान। आपका क्या इस बार सैंपल मिला है? माला छाप का माला। लोगों को क्या संदेश, वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? लोगों को ये देते हैं कि भाई आप 3 टर्म रहे, आप लोग मेरा ये देखते ही हैं, फिर इस बार उससे अधिक आएगा, अधिक आप लोगों का सेवा करेंगे, आप लोगों का अधिक से अधिक काम करेंगे। ठीक, थैंक यू। चेयरमैन साहब, आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद एहसान। पंचायत